आज के सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। प्रियंका जी, हम आपको आगे भी देते रहेंगे। आइए अब देखते हैं कार्यक्रम। आज के सामाजिक अध्ययन के प्रश्नोत्तरी में सभी दर्शक बच्चों का स्वागत है और स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंक देने वाले हमारे मित्र श्री राजेंद्र जी का, जो आपको अंक देंगे। और प्रश्नकर्ता में कृष्ण गोपाल, जो टीमें आई हैं ए बी सी, ये अपना परिचय आपको कराएंगी। राजीव कुमार वर्मा कक्षा 5, कृष्णमोहन सिंह कक्षा 5, आदर सिंह कक्षा 5, काव्य पांडे कक्षा 5, मंसूर शेखर कक्षा 5, अमित कुमार राय कक्षा 5। ये परिचय के पश्चात हम आपको बता दें, यदि आपका उत्तर सही पाया गया तो 5 अंक आपको मिलेंगे और यदि उत्तर गलत है तो 0 अंक मिलेगा। प्रश्न जिस टीम से किया जाएगा उन्हें उत्तर देना है, उत्तर ना आने पर अगली टीम से प्रश्न पूछा जाएगा और उसका अंक उन्हें प्राप्त होगा, फिर उसके पश्चात उसी टीम से दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, ये क्रम चलेगा। टीम ए से प्रश्न है, इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश क्यों पड़ा? उत्तर में स्थित होने कारण। बहुत अच्छा उत्तर, उत्तर में स्थित होने के कारण इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश। टीम बी से प्रश्न है, भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त। उत्तर सही है, आर्यावर्त इस देश का प्राचीन नाम है। टीम सी से प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे, उत्तर सही है। टीम ए से प्रश्न, प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। उत्तर सही है, बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। टीम बी से प्रश्न, गंगा स्नान के संबंध में संत रविदास ने क्या कहा? जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। उत्तर सही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उनका भाव था। टीम सी से प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? दर्शकों से इसका उत्तर हमें चाहिए। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। टीम ए से पुनः प्रश्न है, इस राज्य के उत्तर में किस पर्वत की श्रेणियां फैली हैं? हिमालय। उत्तर सही है, हिमालय पर्वत की श्रेणियां बड़े विस्तार से फैली हुई हैं, जो इस प्रदेश की रक्षा तो करती ही हैं और अनेक लाभ हैं इस हिमालय पर्वत से। टीम बी से प्रश्न है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी है। ध्यान रहे, ये उत्तर सही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, सलाह करके उत्तर दीजिए, नहीं अन्यथा उत्तर गलत हो सकता है। टीम सी से प्रश्न है, अपने प्रदेश के अलावा किसी अन्य प्रदेश का नाम बताइए जो सीमा से लगा हुआ हो। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तर सही है, बड़ा सुंदर सा प्रदेश है। और इस प्रकार ये प्रथम राउंड इनका समाप्त हुआ। प्रथम राउंड में किसको कितने अंक मिले हैं ये आपको हमारे स्कोरर राजेंद्र जी बताएंगे। फर्स्ट राउंड में ए टीम ने 15 अंक प्राप्त किए हैं, बी टीम ने 15 अंक प्राप्त किए हैं और सी टीम ने 5 अंक प्राप्त किए हैं। इसके पश्चात द्वितीय चक्र सेकंड राउंड हम आरंभ करते हैं। टीम ए से प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का प्रमुख वाक्य बताइए। उठो जागो, अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने से पहले मत रुको। उत्तर सही है, स्वामी विवेकानंद ने सबको प्रेरित करते हुए कहा है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको। टीम बी से प्रश्न है,
दिल्ली के किसी प्रमुख राजा का नाम बताइए। पृथ्वीराज चौहान। उत्तर सही है, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के बड़े यशस्वी राजा रहे। टीम सी से प्रश्न है, इनका घमासान युद्ध किस आक्रमणकारी के साथ हुआ? उत्तर देने से पहले दोनों का सलाह हो, और मोहम्मद गोरी उत्तर इनका सही है। कई बार देश पर आक्रमण हुआ और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का यह आक्रमण इन्होंने बताया। विधानमंडल के दो सदन कौन कौन हैं? टीम ए बताएगी। विधानसभा, विधान परिषद। उत्तर सही है, विधानमंडल दल के दो भाग हैं, पहला विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। टीम बी से उत्तर चाहिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर सही है, भारत देश हमारा आजाद हुआ और इस देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, जो बच्चों के बड़े प्रिय थे, उन्हें चाचा नेहरू के नाम से हम सब जानते हैं। अगला प्रश्न है टीम सी से, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरसिंह सूरी। उत्तर इन्होंने देने का अच्छा प्रयास किया, शुद्ध उत्तर है शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड बड़ी लंबी रोड है और ये लाहौर से कलकत्ता तक जाती है। अगला प्रश्न है टीम ए से, महारानी दुर्गावती कहां की रानी थी? गढ़मंडला। उत्तर सही है, गढ़मंडला की महारानी दुर्गावती थी और बड़ी वीरांगना थी। अगला प्रश्न टीम बी से, विजयनगर के राजा का नाम बताइए। श्री कृष्ण देवराय। उत्तर बिल्कुल सही है, वहां के राजा श्री कृष्ण देव राय थे। श्री कृष्ण देव राय के दरबारी कवियों को क्या कहते थे? इसका उत्तर टीम सी देगी। अष्टदिग्गज। उत्तर सही है, इनके दरबारी कवियों का नाम अष्टदिग्गज था। इस प्रकार द्वितीय चक्र समाप्त हुआ। आपके स्कोरर बताएंगे कि किस टीम को कितना अंक मिला। सेकेंड राउंड में टीम ए ने 15 अंक, टीम बी ने 15 अंक और टीम सी ने 15 अंक प्राप्त किए हैं। सेकेंड राउंड में जो अंक मिले हैं वो तीनों टीमों को बराबर 15-15 अंक प्राप्त हुए हैं। दर्शकों से भी हमारा आग्रह है कि सही उत्तर आने पर टीमों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। तृतीय चक्र हम आरंभ करते हैं, थर्ड राउंड। टीम ए से प्रश्न है, किसी सूफी संत का नाम बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत हुए हैं और सूफी संतों का बड़ा महत्व है, ऊनी वस्त्र धारण करते थे। ये उत्तर इनका सही है। टीम बी से हमारा प्रश्न है, हैदर अली का बेटा कौन था? टीम सी इसी प्रश्न का उत्तर देंगे, टीपू सुल्तान। उत्तर सही है, टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। अगला प्रश्न है टीम ए से, पृथ्वीराज के मित्र कवि कौन थे? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के कवि मित्र थे, उस समय के बड़े सुप्रसिद्ध कवि थे और पृथ्वीराज के बड़े ही आड़े समय में उन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की थी। चंद्रवरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो
चंद्रवरदाई ने ये ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है टीम सी से, शिवाजी महाराज किस प्रदेश के राष्ट्रभक्त थे? दर्शकों से उत्तर हम चाहेंगे। बहुत अच्छा उत्तर है, महाराष्ट्र प्रांत के अंदर छत्रपति शिवाजी का जन्म सबको पता होना चाहिए हुआ था, और बड़े शौर्य और पराक्रम के साथ उनके जीवन का उदाहरण उनकी पुस्तकें हमें ये बताती हैं कि गौहर बानों के साथ उनका कैसा व्यवहार रहा। अगला प्रश्न टीम ऐसे, समाज सुधार करने वाले किसी संत का नाम बताइए। रहीम। उत्तर, अपेक्षित उत्तर है कबीर अथवा संत रविदास। रहीम भी समाज सुधार के बारे में उन्होंने भी कहा है, लेकिन कबीर ने तो बहुत कुछ समाज के बारे में कहा। अगला प्रश्न है, ये उत्तर सही है, अंक दे दिया जाए। अगला प्रश्न है टीम बी से, मेवाड़ केसरी किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी के नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने कई बार युद्ध करके और अपने मेवाड़ की सुरक्षा की थी। टीम सी से हमारा प्रश्न है, महाराणा व अकबर का युद्ध किस मैदान में हुआ था? हल्दीघाटी। हल्दीघाटी के मैदान में इन दोनों की सेनाएं लड़ी थीं, और इस प्रकार से ये तृतीय चक्र समाप्त हुआ। अब स्कोरर से निवेदन है कि वो बताएं किस टीम को क्या अंक मिला। थर्ड राउंड में टीम ए ने 15 अंक प्राप्त किए हैं, टीम बी ने 10 अंक प्राप्त किए हैं, और टीम सी ने 5 अंक प्राप्त किए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।